Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are studying our chapter Periodic Table. Classification of elements, periodic table. So in our previous classes we have discussed about classification of elements, different type of classification like Dobberiner classification, Newlands law of octave and Levoshier classification, metal and non-metal. अगर नहीं पढ़ा हो तो भी शुरू में बहुत कम elements थे तो हमने elements को metal और non-metal में divide कर दिया था. So this is Levoshier classification. After that Lothermeyer curve and Mendeleev's periodic table. कुछ ढंग का बोला जाए तो हम कहेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल वाज परफेक्ट, है ना. 63 एलिमेंट्स अरेंज कर दिया, टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया. बट प्रॉब्लम एक ही चल रहा है और वो शुरू से चल रहा है और वो प्रॉब्लम है कि आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास, है ना, वेट के अकॉर्डिंग जमाए जा रहे हो. सो व्हेन यू आर अरेंजिंग एटॉमिक मास एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो एक प्रॉब्लम हमें परेशान कर रहा है, आइसोटोप एंड आइसोबार, है ना. आइसोटोप एक एलिमेंट है लेकिन मासेस अलग अलग है और आइसोबार दो अलग अलग एलिमेंट है ना. देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट बट विद सेम एटॉमिक मास. तो हम कहेंगे अच्छा एलिमेंट तो अलग है लेकिन मास सेम है आइसोबार, और एलिमेंट सेम है मास अलग है आइसोटोप, तो दोनों ही वेट में प्रॉब्लम कर रहे हैं. तो आप जब भी कोई क्लासिफिकेशन करोगे आइसोटोप और आइसोबार आपको परेशान करें. फिर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वेट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट सेट नहीं होता है. लाइक आपने मेंडेलीव टेबल में देखा था टेलूरियम आयोडीन, आपने टेलूरियम पहले रखा आयोडीन बाद में रखा है, लेकिन वेट के हिसाब से जमाओ तो उल्टा हो जाएगा. आयोडीन जो कि हैलोजन है वो ऑक्सीजन फैमिली में आना चाह रहा है वेट के अकॉर्डिंग, और टेलूरियम जो कि ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड है टेलूरियम सेलेनियम, तो हम देख रहे हैं वेट के अकॉर्डिंग तो हैलोजन में आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाती है. सिमिलरली आर्गन पोटेशियम में भी यही प्रॉब्लम था, कोबाल्ट निकल में भी यही प्रॉब्लम था. तो मंडली में तो चलो अवॉइड ही कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं वेट को फॉलो नहीं कर रहा है बट हमको ऐसे ही रखना है. तो हम बार बार ये सोच रहे हैं कि वेट के अकॉर्डिंग जमा हुई क्यों, तो कुछ नया सोच लो. तो ये नया सोचने का जो काम किया था दैट वॉज डन बाय हेनरी मोजले. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोजले. तो मोजले को बैठे बैठे क्या सोचा, क्या उसके दिमाग में आया, क्या कर सकता हूँ. तो मोजले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट उसको आइडिया दे रहा है कैसे. तो देखो हेनरी मोजले ने क्या किया, एक मेटल सरफेस ली, है ना, इसका अलग एक्सपेरिमेंट चल रहा. हेनरी मोजले का मानना है कि जब मैं मेटल सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करता हूं, क्लियर, when high speed electrons strike on metal surface, ठीक है. तो according to Moseley when high speed electrons strike on the metal surface तो X-rays produce हो रही, ठीक है, मान लेते हैं. चलो कैथोड रेज में भी तो हमने पढ़ा था कैथोड रेज अगर चल रही है अगर उनके पाथ में कोई हैवी मेटल रख दिया जाए तो वो X-ray में कन्वर्ट हो जाती, तो कैथोड रे भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही था, है ना. तो हम कहेंगे ओके चलो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही. अब ये कह रहा है इन प्रोड्यूस्ड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी का रूट, क्लियर, एक्सरेज बनी, एक्सरेज समझ गए ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो रेडिएशन है तो वेवलेंथ भी होगा फ्रीक्वेंसी भी होगी. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी मोजले ये जो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई है इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी का रूट आप जो मेटल ले रहे हो उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना. मेटल का एटॉमिक नंबर बदल दो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, बढ़ा दो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कम कर दो तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही. तो उसको लगा कि अच्छा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, है ना, विद कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इसके न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन है. लेकिन अगर मैं बात करूं सिल्वर की तो तुम कहोगे सिल्वर के न्यूक्लियस में मान लो 47 प्रोटॉन है, तो गड़बड़ हो गया ना. हम कहेंगे मेटल बदल दो तो आप क्या देख रहे हो, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बदल गई. ऐसा क्या चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है, वेट का कोई लेना देना नहीं लगा इसको. तो हम कहेंगे ओके रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड और रूट न्यू इक्वल्स टू ए इनटू जेड माइनस बी. अब अच्छा ये वाला क्वेश्चन एम्स वाले एग्जाम में आ चुका है ये रिलेशन. अभी तो आपको लगता है सिंपल ही तो है, क्या ही दिक्कत है, रूट न्यू इक्वल्स टू ए इनटू जेड माइनस बी. बट वहां चार ऑप्शन एक जैसे आते हैं, है ना, रूट न्यू इक्वल्स टू जेड ए माइनस बी या बी जेड माइनस ए या बी जेड ए माइनस जेड, तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है ना. तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, रूट न्यू जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, रूट न्यू इक्वल्स टू ए इनटू जेड माइनस बी. अब यहां पे न्यू क्या है, तो बच्चे यहां पे न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी,
किसकी फ्रीक्वेंसी? तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जेड क्या है? तो बच्चा जेड यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, न्यू है फ्रीक्वेंसी, जेड है एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मोज़ली एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि जब एक मेटल सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, है ना, तो एक्सरे निकलती है। इन एक्सरे की फ्रीक्वेंसी का रूट एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल के क्या आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि अच्छा, एटॉमिक नंबर जिसको तुमने आज तक अपना ही नहीं समझा, ये भी है यूनिक प्रॉपर्टी। हर बार तुमने हमें ठुकरा दिया, हर बार तुमने हमें अवॉइड किया, नेग्लेक्ट किया, इसके हिसाब से इतने क्लासिफिकेशन दिए, कभी इसको तो कंसिडर किया होता, है ना। तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड हिम दैट एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी है, जेड एटॉमिक नंबर एंड दिस इज इन यूनिक प्रॉपर्टी, है ना। इसको भी आप ध्यान में लेके कुछ कर सकते थे। इतने टाइम से टेबल बनाए जा रहे हो, वेट के हिसाब से रखे जा रहे हो, सब एक ही चाल चले जा रहे हो, कुछ तो डिफरेंट सोचो। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया, किस चीज़ ने उसको इंस्पायर किया कि मैं टेबल को ऐसे जमाऊँ? किया तो उसने मेंडेलीव की टेबल को इलैबोरेट कर दिया, लेकिन आइडिया तो नया था। आइडिया किस एक्सपेरिमेंट से मिला? ये तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है बच्चे, रूट न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। इज इट क्लियर? कोई टेंशन नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसमें रटना क्या है मुझे बताएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी पड़ती है, उतने सारे व्यूज भी बन रहे हैं, सॉरी मीम्स भी बन रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बन रहे हैं, ओहो पहले ये कहते हैं, फिर वो कहते हैं, फिर वो कहते हैं। अरे जो पहले कहते हैं वो अंत तक उसके साथ रहते हैं, बट चीज़ें बदल जाती है क्योंकि कंडीशंस बदल जाती है, है ना। सच बोलना चाहिए, ओके सच बोलना चाहिए, बट कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि सच बोलने से ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो नहीं बोलना चाहिए, उस सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। तो बस इतनी ज़्यादा मतलब वैरायटी है ना केमिस्ट्री में, तो इतना ज़्यादा लेंदी चीज़ें, इतना मतलब एक महासागर है, बहुत सारा ज्ञान है। तो कोई भी जब वैरायटी बढ़ जाती है ना, तो हम एक रूल को फॉलो नहीं कर सकते। जैसे हमारी कंट्री इतनी लार्ज है ना, तो हम एक नेशनल लैंग्वेज नहीं दे सकते कि सबको हिंदी में बोलना है, सबको इंग्लिश में बोलना है। नहीं, वैरायटी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, तो फिर चीज़ें बहुत सारी हो जाएंगी, है ना। रूल्स एक्सेप्शंस, रूल्स बना दो लेकिन एक्सेप्शन हर जगह मिले, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट है, आप इस तरह से मत सोचा कि जो अरे ऐसे कर दिया फिर, क्योंकि क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट से चिड़ मचाने वाले वीडियोस, मुझे बहुत गुस्सा आता है देख के, है ना। इनसे आपको क्या होता है, सब्जेक्ट में चिड़ हो जाता है, यार ये क्या है, वो एक आ रहे हैं इनऑर्गेनिक तो पढ़ना ही नहीं है, पहले ऐसे बताएंगे फिर चेंज कर देंगे। अरे पहले ऐसे बताएंगे तो चेंज क्यों करेंगे? जरूर कुछ हुआ होगा, तो हमें अपनी बात से बदलना पड़ा होगा, है ना, इसमें क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया कि भाई उसको एटॉमिक नंबर के लिए इंस्पायर किसने किया। नाउ स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज्ड बाय हेनरी मोज़ली। अब इसका पूरा का पूरा जो टेबल है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो हम कहेंगे ओके, हेनरी मोज़ली का जो टेबल है ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। नाउ अकॉर्डिंग टू हेनरी मोज़ली, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक on metal surface, then they produce X-rays and is directly proportional to atomic number. And क्या? तो हम कहेंगे and root, they produce X-rays and root new लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, root new directly proportional to Z, याद हो गया अब तो, और root new equals to A into Z minus B, A और B आपका क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हेनरी मोज़ली का टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इसको लगा कि भाई हाँ इसको भी काम में लेके आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब टेबल इसने वैसे की वैसे बनाई है, टेबल में ज़्यादा कुछ नहीं किया है ना, सो दैट ही गॉट न्यू आइडिया ऑफ एटॉमिक नंबर एंड प्रपोज्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, जैसे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, है ना। अगर देखो मॉडर्न और मेंडेलीव क्वेश्चन सेम है, ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, और सेम क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, तो क्वेश्चन तो सेम है लेकिन तुम्हें बात समझ में आ गई, गड़बड़ क्या हुई? तो हम कहेंगे मेंडेलीव ने तो वही काम किया जो सारे साइंटिस्ट कर ही रहे थे,
है ना, लेकिन उसने एक अच्छा आइडिया दिया कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमा रहा हूँ और मैं टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म का आइडिया तो इनका था ही, है ना। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, क्लियर। तो एटॉमिक नंबर यानी जेड और एटॉमिक मास या मास नंबर कह दो तो ए बोल सकते हो आप, उस पे बेस्ड है। इतनी बात क्लियर है ना। यहाँ एटॉमिक मास ही ध्यान रखो, मास नंबर मत लिखो, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये भी कह रहा है कि अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, इफ वी अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, मैजिक नंबर क्या बताया था, मैजिक नंबर 288, 1818, 32 एंड 32, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैजिक नंबर 288, 18, 18, 32 और अब जो नया आएगा वो भी 32 के गैप में आएगा, ठीक है। तो इस इंटरवल के बाद में आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स जो है हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, एक फिक्स गैप के बाद में दो के बाद में वो एलिमेंट आ गया जिसके आगे कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, आठ के बाद में फिर वो आ गया जिसके कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, क्लियर। तो इसको आइडिया मिल गया कि चलो अब हम जो भी काम करेंगे वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे करेंगे। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेम है, बस वहां हमने एटॉमिक मास लिखा था, यहां आप एटॉमिक नंबर लिख दो। तो पिछली बार हमने क्या लिखा था, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर, पिछली बार था एटॉमिक मास, अब क्या लिखना है एटॉमिक नंबर। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब तुम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाओ। तो व्हेन यू अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो तुमको एक पर्टिकुलर गैप के बाद में 2, 8, 8, 18, 18, 32 After magic numbers, after the regular interval, after the gap of 2, 8, 8, 18, 18 and 32, elements having same property, वो आपको साथ साथ में मिलेंगे। बस इतनी सी बात कहना चाह रहा है, देखो। So this is called periodicity, है ना? Means when the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, then after a regular interval, elements of same property occupy same place, this is called periodicity. जो मैंने बोला है वो टाइप हो गया और कुछ भी नहीं है, तो बोलो सिंपल ही तो है, कहाँ दिक्कत है। अगर तुम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओगे तो सारे भाई बहन एक साथ मिलेंगे। मेंडलीव क्या कह रहा था, अगर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओगे तो सारे भाई बहन एक साथ मिलेंगे, कुछ बिछड़े हुए हैं तो उनको मैं ठीक कर देता हूँ और कुछ नहीं मिल रहे हैं तो फिर ठीक है रहने दो, थोड़ा ड्रॉबैक तो है ही सही, समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है, है ना, सिंपल सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम कहेंगे कि चलो मेंडलीव ने तो टेबल, सॉरी मोज़ले ने तो टेबल बना दी, हम ड्रॉ कैसे करें, है ना, हमें टेबल बनानी है, तो ठीक है। अब देखो पिछली बार तो समस्या थी, पिछली बार का प्रॉब्लम क्या था कि फर्स्ट डे सेकंड डे एक बहुत गड़बड़ हो रहा था, थर्ड डे और ए और में ए में बी कर दिया और डी ब्लॉक बी ब्लॉक मिक्स हो गया और बहुत हौचपच हो गया था। इस बार थोड़ा सिस्टमेटिक है, सिंपल है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सात जो है वो पीरियड्स है, ठीक है। देखो पहले तो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सात पीरियड से, इसमें भी सात है, है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सेम चीज बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ऐसे जो लाइन बना रहे हैं इसको इसने पीरियड्स नाम दिया, जो वर्टिकल कॉलम है इसको इसने ग्रुप नाम दिया है, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, अब इसमें आप क्या देखेंगे तो आपको बताना है भाई, यहां पे भी पीरियड तो हमारे पास सात है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं, तो आप कहेंगे पीरियड तो सात है। ग्रुप कितने हैं, तो अब हमारे पास ए और बी का तो टेंशन ही खत्म, ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप 18 है, ठीक है। तो अब सात पीरियड है और 18 ग्रुप से, तो बना लेते हैं भाई, क्लियर। तो ड्रॉ करो टेबल को, तो मैं ओके भाई ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ग्रुप वन, क्लियर। अब ग्रुप वन बनाना आना चाहिए बच्चे, ग्रुप वन याद है तुम सबको, बोलो
कितनी बार तो बताया, ग्रुप वन हालीना की रब से फरियाद, हा हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रेंशियम, है ना, ये सबको याद है। तो हम गए यहाँ ग्रुप वन में, क्या दिक्कत थी, ग्रुप वन था हा ली ना की रब से फरियाद, रुबीडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम, ओके क्या ही दिक्कत है। और हम बोल रहे हैं ग्रुप वन, है ना, मेंडलीव ने तो इसको फर्स्ट ए बोल दिया था। तो देखो ये दोनों पता होनी चाहिए बच्चा, ये ध्यान रखना थोड़ा, मेंडलीव ने क्या बोला, आप क्या बोल रहे हो, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, काम आएगा। ग्रुप वन हो गया, नाउ ग्रुप टू। सो अगर मैं ग्रुप टू की बात करूं तो याद होना चाहिए तुम्हें, ग्रुप टू क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, आर ए, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, बेटा बेरीलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार स्कूटर कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम, कुछ और निमोनिक्स हो तो वो याद कर लो, है ना, लिखने की भी जरूरत नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, फटाफट हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स ग्रुप वन ग्रुप टू, दिस इज यहाँ, यहाँ ग्रुप थ्री है। अब यहाँ ग्रुप थ्री है तो मैं कुछ ऐसा बना लेती हूँ, देखो, है ना, और एक अच्छा सा जिंगल दे दो हमें तो हम कंप्लीट करें, तो हम कहेंगे ठीक है ये हमारा डी ब्लॉक शुरू हो गया। देखो ये दोनों ग्रुप वन ग्रुप टू एस ब्लॉक से रिलेटेड, आगे हम पढ़ेंगे बोर्ड्स क्लासिफिकेशन, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है, ठीक है। सो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, या मैं कहूँ 20 तो भाई ये है ना, कैल्शियम कितना है 20, 21 पे आओ तो 21 ऐसे लिखना है, एस सी स्कैंडियम, एस सी टी वी, बोलो एस सी टी वी कार में, ठीक है भाई, एस सी टी वी कार में फेकोनी, ठीक है, एस सी टी वी कार में फेकोनी, कुंजी कॉपर एंड जिंक, ओके, एस सी टी वी, एस सी स्कैंडियम, टी टाइटेनियम, वी वेनेडियम, कार क्रोमियम, में मैंगनीज, फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकल, फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकल, कुंजी कॉपर एंड जिंक, ओके सबको याद हो गया, एस सी टी वी कार में फेकोनी कुंजी। अब तुम ऐसा कुछ याद है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जी, इट्स ओके, जो तुम्हें याद रहे वो ठीक है, क्लियर। तो अगर मैंने बताया वो नहीं, कुछ और याद है तो वो याद कर लो, बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं कहूँ ग्रुप थ्री का पहला एलिमेंट बोलो तो बोलो, ग्रुप थ्री का फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम है भी, है ना, ग्रुप फोर का टाइटेनियम, दिस इज ग्रुप फाइव, ठीक है, ग्रुप ऊपर लिख देती हूँ ग्रुप फाइव, मैंगनीज वाला ग्रुप सेवन, फिर सॉरी थ्री फोर फाइव सिक्स मैंगनीज वाला, हाँ मैंगनीज वाला ग्रुप सेवन, फिर आयरन वाला ग्रुप एट, फिर फेकोनी एट हो गया, सो दिस इज नाइन एंड दिस इज टेन, क्लियर। अब तुमसे पूछेगा कॉपर और जिंक, तो भाई कॉपर ग्रुप 11 से बिलोंग करता है और जिंक जो है वो ग्रुप 12 से बिलोंग करता है, ठीक है, तो एस सी टी वी कार में फेकोनी कुंजी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिख दो, है ना, स्कैंडियम वाली तो लिख दी, नेक्स्ट लिख दो, तो ये आपको ध्यान रखना है, या जीर, ठीक है, इट्रियम जिरकोनियम, या जीर नवाब मोहम्मद, या जीर नवाब मोहम्मद टीसी टेक्नीशियन, रूस रवाना पैदल, आगे कमांडो, ठीक है, या जीर वाई जेड आर, या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, है ना। फिर क्या था, रूठी राह में, क्या था, कुछ ऐसे ही कुछ था, है ना, तो रूठी हो गया, रूथीनियम, राह हो गया, ठीक है, राह पड़े, नहीं सॉरी, रुकावटे राह में पड़े, तो रुकावटे क्या था, रूथीनियम, राह क्या था, रोडियम, रुकावटे राह में पड़े, पड़े मतलब पैलेडियम, तो आग में कूद जाएंगे,
तो आग मतलब सिल्वर और कूद जाएंगे मतलब कैडमियम। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा जिंगल लंबा हो जाता है। अगर आप ऐसे याद रखते हैं, याजीर, नवाब, मोहम्मद, टीसी, रूस, रवाना, पैदल, आगे, कमांडो। कमांडो तो सी डी, आगे तो सिल्वर, पैदल तो पी डी, रवाना आर एच, रूस रूथेनियम, टीसी टेक्नीशियम, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 43, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट टेक्नीशियम जो सबसे पहले लैब में बनाया था। ठीक है, मॉलिब्डेनम है ना, तो क्या था मोहम्मद तो मॉलिब्डेनम, नवाब नियोबियम, ठीक है, जीर जिरकोनियम, वाई या इट्रियम, वाई इट्रियम। ठीक है, तो जैसा आपको याद रहे ओके, तो हम कहेंगे चलो भाई ये भी ठीक है, दूसरा भी बना लिया हम। नेक्स्ट, तो बच्चे नेक्स्ट है तुम्हारे पास, नेक्स्ट है तुम्हारे पास ला हफ्ता। नाउ स्टूडेंट्स, ला हफ्ता, ला लैंथेनम दिस इज 57 एंड हफ्ता हॉफियम 72, बीच के 14 गायब है, 58 से 71 गायब है, मतलब दे आर लैंथेनॉइड्स, दे आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल। हम इतनी टेबल को वो एलेबरेट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी हो जाएगी, सो दे आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल। और वैसे टेबल के नीचे इसलिए रखा है क्योंकि आफ्टर लैंथेनम मतलब 58 से 71 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक एले, है ना, कैरेक्टर भी सेम है, तो जगह सेम होनी चाहिए, तो जगह कहाँ दे, तो इनकी सबकी जगह यही है ना, पोजिशन ऑफ द लैंथेनॉइड, सो दिस इज ग्रुप 3, पोजिशन यही है, क्लियर। तो हम कहेंगे ओके चलो, ला हफ्ता लैंथेनम हॉफियम टेंटेलम, ला हफ्ता वर्णा रे, वर्णा मतलब टंगस्टन, रे रीनियम, उसकी ईरानी प्लेट ऑस्मियम इरीडियम प्लेट, उसकी ईरानी प्लेट आई होगी गोल्ड एंड मर्करी, ओके ऐसे याद रखें। या फिर ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता तो याद रह जाएगा, लैंथेनम हॉफियम टेंटेलम, ला हफ्ता वर्णा रे टंगस्टन एंड रीनियम, ठीक है, उसकी इधर ऑस्मियम इरिडियम, उसकी इधर पिटाई पिटाई प्लैटिनम और होगी गोल्ड एंड मर्करी, ठीक है, तो ये भी याद हो सकता है आपको। तो हम कहेंगे चलो ये हमारा हो गया थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब लैंथेनम के जस्ट नीचे आता है बच्चे एक्टिनियम, लैंथेनम के नीचे क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे एक्टिनियम, ठीक है, और यहां आपको मिलेगा रदरफोर्डियम। तो देखो एक्टिनियम दिस इज 89, रदरफोर्डियम 104, तो 90 से 103 दे आर अगेन प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल एंड दे आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स, एलिमेंट आफ्टर एक्टिनियम आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट, व्हाई दे आर केप्ट बिलो द पीरियोडिक टेबल, सो दे शो सिमिलैरिटीज विद एक्टिनियम, सो देयर पोजिशन शुड बी दिस। अब एक जगह पे 14 को कैसे बिठाएंगे, सो दे आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल, जगह पूछो तो जगह तो यही है, हमें यही बैठना है। अब हम कहेंगे कि तो सीट है तो या तो नहीं बैठ सकते, तो नीचे बैठ जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है, जगह आपकी ये मानी जाएगी, ठीक है। सो रदरफोर्ड डिब्बा डबनियम, सहवाग सी बोर्जियम, सहवाग बोरी बोरियम, हस मत एच एस एसमियम, ठीक है, मत एम टी मेरिटोनियम, है ना, हसमत देश पांडे डी एस डिस्प्रोसियम, एक बार थोड़े नाम और ढंग से चेक कर लेना, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। सो दीज आर एक्टिनॉइड्स, ओके, है ना, क्योंकि देखो 100 के बाद में हमने आईयूपीएसी स्टार्ट कर दी थी ना, 101 अनिल अनियम अनिल बाइनियम, अब ये नाम चलने लगे थे, फिर ये बंद हो गए, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता था कि सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, उस पर डिस्कवरी चल रही है सेम टाइम में बट टू डिफरेंट कंट्रीज में। अब क्या हो रहा है कि जिन्होंने खोज की उन्होंने अपने साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया। सिमिलरली एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, आइसोटोप भी नहीं, और वो दूसरी कंट्री में भी सेम टाइम में खोज हो गया, है ना, तो रिसर्च चल रही है, सेम एलिमेंट की रिसर्च हो गई, अलग अलग प्लेस पे हो गई, तो एक ही एलिमेंट के दो दो नाम आने लग गए, तो फिर मन कर दिया कि नहीं अब ऐसे नहीं होगा, अब आप रूल्स के अकॉर्डिंग कितने भी एलिमेंट डिस्कवर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम तो नियम के हिसाब से बना जाएगा, और वैसे डिफिकल्ट भी है इसको याद करना, ठीक है। तो हम कहेंगे इट्स ओके, 100 तक हम याद कर लेते हैं, 100 के बाद में चला लेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं मेंडलीव की बात तो तुमने नहीं समझाई, तो बच्चे मेंडलीव ने
मेंडलीव ने ग्रुप थ्री को नाम दिया था थर्ड बी, याद करो, फर्स्ट ए सेकंड ए, है ना, यहाँ तो उसका ए बी मिक्स हो गया था. सो दिस इज थर्ड बी, दिस इज फोर्थ बी, है ना, ये फर्स्ट ए था, ये क्या था, तो हम कहेंगे ये सेकंड ए था. तो फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए फोर्थ, सॉरी थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी सिक्स्थ बी सेवन बी. मेंडलीव को भी दिमाग में रखना है बच्चे. अब याद करो मेंडलीव ने कहा था फेकोनी रूस रवाना पैदल, याद करो फेकोनी रूस रवाना पैदल, उसकी ईरानी प्लेट, ये सब जो है, है ना, फेकोनी रूस रवाना पैदल उसकी ईरानी प्लेट, ये सब क्या है, ये सब ग्रुप एट के एलिमेंट है. ठीक है, सो ग्रुप इलेवन वॉज फर्स्ट बी, याद है तुम्हें, तांबा चांदी सोना कॉइन मेटल को इसने यहाँ सोडियम पोटेशियम इनके साथ रख रहा था वो, है ना, जिंक कैडमियम मर्करी सेकंड बी, इसको भी इसने इधर रख लिया था, बेरिलियम वाली फैमिली में ना, स्ट्रॉन्शियम बेरियम के साथ रख रहा था, तो थोड़ी गड़बड़ तो हो गई थी, थोड़ा मिसमैच हो गया था. क्लियर है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं. सो दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट कह दो, डी ब्लॉक एलिमेंट कह दो, यहाँ फिलहाल हमने 12 ग्रुप सेट कर दिए. नाउ मूविंग टू ग्रुप 30. सो ग्रुप 30, ग्रुप 30, देन ग्रुप 40, 50, ठीक है, ग्रुप ऊपर लिख देती हूँ मैं, ग्रुप 50, ग्रुप 60, 70 and 80, ठीक है, दिस इज ग्रुप 80. अब क्या करना है, तो देखो बेरिलियम के बाद चले, तो बच्चे बेरिलियम के बाद बोरोन, है ना, ये बेरिलियम है तो यहाँ बोरोन, बोरोन के आगे कार्बन, इसके आगे नाइट्रोजन, इसके आगे ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ नियॉन. ठीक है, तो ग्रुप 13 की बात करते हैं, तो बोरॉन फैमिली, है ना, इलियम लिख रही हूँ अभी, रुको, है ना, बोरॉन फैमिली, तो देखो बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर गैलियम 31 जिंक के बाद आएगा, बैंगन आलू गाजर इन थेला, याद रहेगा, ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर, बोलो बैंगन आलू गाजर बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इन थेला. ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, सो कार्बन में कौन या कासी गए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कासी गए संत प्रभु, एस एन और पी बी, काशी गए संत प्रभु, या कौन सीता गीता, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कौन सीता गीता, स्नेहा प्रभा, मैं तो किसी लड़की को नहीं जानता, ठीक है, है ना, तकलीफ क्या है, जो याद कर सकते हो तो ओके, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एसन एंड पीबी. ओके, नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन फैमिली, सो बच्चे नाइट्रोजन फैमिली कैसे याद रखेंगे, नेहा पूजा नाइट्रोजन फास्फोरस, नेहा पूजा असलम, सब बीमार, सब यानी एंटीमनी बीमार बिस्मत, या नए पुराने और नए नाइट्रोजन, पुराने फास्फोरस और आर्सेनिक, नए पुराने और सब भाई एंटीमनी एंड बिस्मत, या नेहा पूजा हो गया न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, कुछ भी याद कर सकते. देन ऑक्सीजन, सो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन फैमिली, इसका जिंगल आज तक चेंज नहीं हो, ऑक्सीजन फैमिली, दिस इज ओ स्टाइल से टीपो, सर ये बता दें, चेंज बहुत मुश्किल हुआ इसका, या ओम सिंह से टीपो, या स्टाइल से टीपो, तो ओ फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल फॉर सल्फर, से सेलेनियम, टी टेल्यूरियम एंड पो फॉर पोलोनियम. ठीक है, नाउ हैलोजन, सो इट्स चांस फॉर हैलोजन, सो हैलोजन इज फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेनिन, These are halogens. Now students, देखो first group hydrogen रखना हमें यहाँ से था ना helium. सबसे पहले यहाँ आएगा helium hydrogen के सामने. तो याद कैसे करेंगे? This is group 80. Helium, Hina, Nina और Hina helium, Nina neon और argon. Hina, Nina और Karina.
या कैटरीना, ठीक है, तो हीना हीलियम, नीना नियॉन और आर्गन करीना क्रिप्टन, हीना नीना और करीना जीनत रीना, बहुत ज्यादा लड़कियां होंगी तो ऐसा याद रखो, हैनी आगरकर, हैनी हीलियम नियॉन, हैनी आगरकर, आगर आर्गन कर क्रिप्टन, हैनी आगरकर जीरो रन, जीरो एक्सी, जीरो तो चल जाएगा एक्सी, और रन आर एन रेडॉन, ठीक है, या हीना ने हीलियम नियॉन, हीना ने अरमान के, अरमान आर्गन के क्रिप्टन, हीना ने अरमान के जीरोक्स रखवाए, जीरोक्स एक्सी रखवाए रेडॉन, सो दे आर इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 नोबल गैसेस, जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो, है ना, तो ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है. नाउ इन दिस पीरियोडिक टेबल देर आर 7 पीरियड्स एंड देर आर 18 ग्रुप्स, ओके. अब हम वन बाय वन पीरियड को डिस्कस करें, सो फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में देखो, फर्स्ट पीरियड में तो तुम्हें शायद हाइड्रोजन और हीलियम ही नजर आया, वन इज हाइड्रोजन एंड लास्ट वन इज हीलियम, सो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट है, सो फर्स्ट पीरियड इट हैज ओनली टू एलिमेंट, सो दिस इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, है ना, वेरी शॉर्ट पीरियड, एंड देर आर ओनली टू एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड, कौन से एलिमेंट्स है, so we will say one is hydrogen, another is helium, so very short period, two elements ही है, hydrogen and helium. Now what about second period and third period, check कर, table है आपके पास, check करो, दिमाग लगाओ, second period and third period, I think they have eight elements and they are called short period, let me check. लिथियम से स्टार्ट हुआ, देखो लिथियम बेरिलियम ये तो आया नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट आपका नीचे आ रहा है बहुत, तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन, एंड थर्ड पीरियड सोडियम मैग्नीशियम, ध्यान रखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है ना, तो 13 तो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी डी ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट या ग्रुप क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, तो ये स्कैंडियम कैल्शियम के बाद में आएगा, है ना, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट कैल्शियम के बाद में आने वाले हैं, कोई तकलीफ नहीं, तो हम कहेंगे फर्स्ट में टू देन एट और एट, क्योंकि देखो यहाँ पे तो दो ही है एस ब्लॉक में, वहां जाओ पी ब्लॉक में छह है ना, भाई पी ब्लॉक इसलिए क्योंकि उनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में मिलेगा, एस ब्लॉक इसलिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मिलेगा, सो हियर ओनली एट एलिमेंट एंड हियर अगेन एट एलिमेंट, सो वी विल से सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड बोथ आर कॉल्ड short period and short period and they have eight elements, again it has eight elements, now starting from to बार बार table बनाने की जरूरत नहीं है, या table नहीं भी याद है तो okay, group 1 से start होता है, group 18 पे खत्म होता है, तो group 1 क्या था, हाँ लीना, तो हाँ तो ये हो गया, ये कहाँ से start होगा, lithium से, और ये कहाँ से start होगा, sodium से, हाँ लीना लिथियम टू एंड सोडियम टू, अब वो खत्म कहा हो गया ना एडीएस पे, तो हीना नीना, हीलियम तो आ ही गया, सो हियर विल बी नीना नियॉन एंड हियर वी विल राइट और हीना नीना और हीना नीना और आर्गन. नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, ओके व्हाट अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, सो स्टूडेंट फिफ्थ पीरियड, अब यहां आपने देखा कि डी ब्लॉक आना स्टार्ट हो गया, तो ये शॉर्ट तो नहीं होंगे, दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, क्योंकि 10 एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखें लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड, व्हाई दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, सो चेक, डी ब्लॉक आ गया स्कैंडियम वाला, है ना, 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा आपके कनेक्शन हो गया, देखो दो तो हो गए आपके एस ब्लॉक के, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 10 इधर के हो गए, तो 2 प्लस 10 12 एंड गैलियम टू क्रिप्टन 6 और हो गए, सो 2 प्लस 10 प्लस 6 18, सो देर आर 18 एलिमेंट्स, है ना, और अगेन नेक्स्ट वाले में भी देख लो, रुबीडियम स्ट्रॉन्शियम, दो तो इधर हो गए, 10 इधर हो गए एंड 6 उधर हो गए, तो दे हैव ऑल्सो 18, सो वी विल से
fourth and fifth period, they are long period, they are made up of 18 elements. Again, fifth period has 18 elements. और अगर हम starting की बात करें तो देखो हाली ना की रब है ना, पूरा बताने की जरूरत ही क्या उसको, बस हमें ग्रुप वन याद है ना, हाली ना की रब, और वहां क्या था, हीना नीना और करीना, क्रिप्टन इना इना और करीना, जीनत रीना, जीनत तो आ गया एक्सी. नाउ सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड, तो बच्चे डी ब्लॉक आपने भर दिया, सिक्स्थ पीरियड सेवन्थ पीरियड. अब आपने देखा हो तो लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लास्ट वाले में एक्टिनॉइड्स आ गए थे 14 और यहाँ लैंथेनॉइड्स आ गए थे, सो दे आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड, पीरियड सिक्स एंड पीरियड सेवन, बोथ आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड. व्हाई दे आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड, तो हम कहेंगे 14 एलिमेंट और ऐड कर दो भाई, देखो रखा नहीं हमने यहाँ पर, जगह नहीं थी तो चलो हम नीचे बैठ गए, बट हमारी जगह तो यही है. सो लैंथेनॉइड्स आर सेइंग दैट आर प्लेसेस ग्रुप नंबर थ्री, ग्रुप थ्री थर्ड बी एंड पीरियड, तो पीरियड है सिक्स, सिक्स पीरियड है, देख लो एक दो तीन चार पाँच छः. सो लैंथेनॉइड पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, यू कैन सी ग्रुप थ्री थर्ड बी एंड पीरियड इज सिक्स. वॉट अबाउट एक्टिनॉइड्स, सो एक्टिनॉइड पोजिशन अगेन ग्रुप थ्री थर्ड बी एंड दे बिलोंग टू लास्ट पीरियड एंड वी हैव ओनली सेवन पीरियड, सो पीरियड सेवन. तो 14 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा एडिंग इन 18 एलिमेंट्स, इन वॉट विल 18 प्लस 14, सो इट विल बी 32. सो हम क्या बोलेंगे कि भाई छठा पीरियड और सातवां पीरियड दे आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड, दे हैव 32 एलिमेंट्स, अगेन दे हैव 32 एलिमेंट्स, 32 32. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम तो हाली ना की रब से, से मीन्स सीजियम, फरियाद फ्रेंडशिप, फिर इना नीना और करीना, जीनत रीना, रिडॉन, एंड वॉट विल बी नेक्स्ट इनर्ट गैस, देन एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस विल बी 118, है ना, आपका रेडॉन का आई थिंक 86 है, 32 और ऐड कर दो, क्योंकि अब जो मैंने आपको बताया था मैजिक नंबर टू, मैजिक नंबर टू, देन 8, यू कैन सी हियर मैजिक नंबर कौन से थे, तो हम कहेंगे यहाँ 2, 8, 8, 18, 18, 32, एंड न्यू विल बिकम एट द डिफरेंस ऑफ 32, तो 86 एंड 32 आई थिंक 118. सो नई इनर्ट गैस अगर डिस्कवर होगी तो उसका एटॉमिक नंबर शुड बी 118. प्रेजेंटली वी हैव 118 एलिमेंट्स, है ना, बट ऑल आर मैन मेड एलिमेंट्स, सिंथेटिक एलिमेंट्स, सो दे आर नॉट सो फेमस कि हम मतलब उनको ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर सकें, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है. अब स्टेबल हो तो स्टडी करेंगे ना, मिलते हुए आदमी कैसे स्टडी करेंगे, दैट्स वाई, है ना, सो दे आर नॉट हिलते हुए आदमी, दे आर लाइक के इनर्ट, सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना, दे आर डेंजरस, और हाफ लाइफ भी होता है, बहुत छोटी सी लाइफ होती है उसमें, तो वो एलिमेंट आधा ही हो जाता है, फिर हार्मफुल रेडिएशन छोड़ता है, तो उनको स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग ईयर 118. नेक्स्ट इनर्ट गैस विल बी एट द एटॉमिक नंबर एट द प्लेस ऑफ सेवेंथ पीरियड, लास्ट इनर्ट गैस एंड इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 118. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. देर आर सेवन पीरियड, 18 ग्रुप, फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, कंसिस्ट टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड दे आर कॉल्ड शॉर्ट शॉर्ट, 8 एलिमेंट, लिथियम टू नियॉन एंड सोडियम टू आर्गन, अगेन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड लॉन्ग लॉन्ग, 18 18, एंड पोटेशियम क्रिप्टन, पोटेशियम टू क्रिप्टन, एंड रुबिडियम टू जिनॉन, एंड सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड दे आर वेरी लॉन्ग पीरियड, दे हैव 32 एलिमेंट्स, एंड सीजियम टू रेडॉन एंड फ्रेंशियम टू 118. नेक्स्ट न्यू इनर्ट गैस, फाइनल इनर्ट गैस 118. ठीक, अब इसमें भी तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा तो कोई परफेक्ट तो कुछ मिला ही नहीं आज तक. सो अगेन वी विल से हाइड्रोजन पोजीशन इज नॉट सर्टेन. सो अब हाइड्रोजन का तो करें ही क्या, अगर मैं एटॉमिक नंबर ही वन है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एटॉमिक नंबर वन है तो मुझे यही रखना पड़ेगा, बट आपका पहला ही एलिमेंट गड़बड़ कर रहा है. इट्स लाइक कि मैं आईआईटी का एग्जाम देने बैठा या मैं नीट का एग्जाम दिया, पहला क्वेश्चन इतना खराब कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया. तब आप याद करना, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, इतने लोगों ने रिसर्च किया, पहले एलिमेंट को नहीं बिठा पाए, नहीं बिठा पाए, है ना, पहला ही एलिमेंट आपका सेट नहीं हो रहा, बाकी अब क्या कर रहे हो, हम कर लेंगे, पहला नहीं सेट हो रहा वो पहले का प्रॉब्लम है. सिमिलरली एग्जाम में पहले क्वेश्चन को देख के कॉन्फिडेंस लूज मत करना
ठीक है आ गया टफ, दिस इज हाइड्रोजन. So, position is not fixed, position is uncertain. So, in the modern periodic table, again there is a drawback and that is position of hydrogen is uncertain. तो भाई तुम सेट क्यों नहीं होते हो, तो करें क्या? S block के हैं, plus one भी हो जाते हैं और minus one भी हो जाते हैं और दोनों में comfortable है. तो क्या कर सकते हैं, अब दो दो character है. So, hydrogen position is not certain. Again, lanthanoids and actinoids are placed below the periodic table because all lanthanoids show similarity with lanthanum, all actinoids show similarity with actinium. Then what will we do? We will place these elements below the periodic table. So, these are some kind of drawbacks in modern form of periodic table. Okay, position of hydrogen is not certain, lanthanoid actinoids are placed below the periodic table. Clear? This is all about modern periodic table. Table कैसे बनाना है, table किस पे based है, atomic number का idea कहाँ से आया, कितने period से है ना, long form of periodic table क्या है और drawbacks क्या है. I think all things are clear. So please share, like and subscribe. मिलते हैं next time. Till then take care and bye bye.